हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा था कि मैंने चिकन वगैरह बना लिया था। तो अभी इधर मैं बना रही हूँ, इसका स्टार्टर का मुझे नाम नहीं पता, बट मैं ना इसको ना ये अपने मैकडी में फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं ना, उस टाइप में ये इसको कट कर रही हूँ आलू को। और इसको मैं सेम प्रोसेस से इसको बॉईल कर दूंगी। ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि लिए ना अश्मिता दी वो शेंगदाने कोटिंग वाले बनाने वाली थी, पर उसको कंटाला आया तो उसने बनाए नहीं। तो फिर मैं सोची मैं ही कुछ बना लेती हूँ, तो घर में देखा तो आलू पड़े थे, तो मैं सोची चलो इसका ही बनाते हैं। अब मुझे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बना रही हूँ। ये अचानक भयानक प्लान है था, तो इसलिए अभी मैं इधर आलू को कट कर रही हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे फ्रेंच फ्राइज कैसे कट करते, सेम वही प्रोसेस से मैं इधर कट कर रही हूँ। और इधर मैंने गैस पे एक भगोना रख दिया, उसमें पानी डाला है मैंने, और पानी को अच्छे से बॉयल होने दिया। उसके बाद अभी मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, और फिर इसमें मैं डाल दूंगी जो हमने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, जो कट करके रखे थे आलू को, वो इसमें डाल दूंगी। इसको है ना एकदम मतलब 50% बॉईल हो गए ना, तो फटक से निकाल के इसको हम लोग सुखा देंगे। ज़्यादा एकदम बॉईल नहीं करना हमको, सिर्फ 50% ही बॉईल करना है इसको, ठीक है। तो फिर ये कर लिया था मैंने, इसको निकाल के सुखा बिका के मैंने साइड में रख दिया था। तो उसके बाद हम लोग जो आलू के ऊपर जो कोटिंग करने वाले हैं उसके ऊपर आते हैं। तो इधर मैंने ना पाँच चम्मच मैदा लिया था, 5 चम्मच मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर, और सेम 5 चम्मच ही मैंने लिया था बेसन। तो ये सारी क्वांटिटी जितने मैंने आलू उबाले थे उसके हिसाब से 5-5 चम्मच है। आपको कम ज़्यादा करनी होगी तो आप लोग कर सकते हो। तो इसके अंदर अभी मैंने डाला अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला है, फूड कलर डाला है, और फिर मैं इधर अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने सेजवान चटनी भी डाली थी, पता नहीं उसकी फुटेज दिखेगी क्या नहीं, बट वो भी डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा काली मिरी पाउडर डाला है। ये सब अच्छे से करके इसको मिक्स कर दिया, और टेस्ट करके देखा था बहुत बढ़िया लग रहा था। और हाँ, सेजवान चटनी भी डालना, वो भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और सच बता रही हूँ, अचानक मैंने बनाया, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट सबको इसी का ही लगा। ये प्लान में भी नहीं था, बट कुछ नहीं था तो मैं बोली चलो यही बना देती हूँ, और ये सबने खाया, सबको यही बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी इधर मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें मिक्स करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्वांटिटी कम हो गई है, फिर से मैं डालने लगी हूँ। तो गाइज ये देख लो आप लोग, मैंने ना इसको 50% आलू को बॉईल करके साइड में मैंने आपको बताया था रख दिया था। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अभी, जो हमने बैटर बनाया था उसमें डिप करके इसको पकौड़े जैसे फ्राई करने के थे। और इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल के इसको सबको दिया, और सबको इतना पसंद आया, दसा दद्दू तो बार बार बोल रहे और है क्या, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े से ही बनाए थे, 4-5 आलू के, तो फटक से ख़त्म भी हो गए। तो अभी हम लोग बना रहे हैं चना कोली वड़ा। तो ये इधर मैंने चने बॉईल करके रख दिए थे, अच्छे से ठंडे वगैरह हो गए थे। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला, चटनी पाउडर, और इधर चाट मसाला। चाट मसाला मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा तो अच्छा लगता है। और अभी सारे मसाले डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैंने डाला था इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, ये भी डालना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इधर मैंने बड़े बड़े 2 चम्मच डाल दिए थे, और मेरी हमेशा की आदत है मैं 2 चम्मच डालती हूँ, उसके ऊपर से थोड़ा तो डालूँगी, मतलब डालूँगी। और इधर मैंने ना सोया सॉस डाल दिया है, और विनीगर मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, बट मैंने शूट करना भूल गई थी, तो मैं अभी इधर नाटक कर रही हूँ डालने का, ताकि आप लोगों को दिखे कि भाई मैंने डाला है विनीगर भी। तो बस ऐसे ही शूट करते करते कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती, क्योंकि कुकिंग भी साथ ही करनी पड़ती है, और ये सारी चीज़ें, और ऊपर से घाई घाई भी होती रहती है। तो बस यही सब कर रही थी। और उसके बाद मैंने इधर 2 चम्मच दही डाला है। दही ऑप्शनल है, बट मुझे ऐसा लगता है दही से ना कोटिंग वगैरह अच्छी होती है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें एग भी डालते हैं, बट मैं पूरा वेज बना रही थी इसलिए मैंने एग नहीं डाला, तो मैंने दही डाल दिया। तो अगर आपके पास होगा तो डाल देना, नहीं हुआ तो फिर नहीं डालना। और इसमें ना सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, सिर्फ दो चम्मच में सब चीज़ें डालने वाली हूँ, जैसा कि 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, मैदा और बेसन। बेसन भी डालना तो कोटिंग बहुत अच्छी होती है, पता नहीं कोई डालता है क्या नहीं, बट मैं डालती हूँ और कोटिंग अच्छे से लगती, मतलब कवर होते हैं उससे। तो गाइज मैं ना शूट करना भूल गई, इसमें मैंने ना 2 पैकेट सेजवान चटनी के डाले 10-10 वाले, और रेड फूड कलर डाल के अभी इधर फ्राई कर रही हूँ। मैं थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ नमक का, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम पड़ गया है, तो 2-3 डाल के अभी मैं चेक कर रही हूँ, अगर नमक ठीक रहेगा तो फिर है ना फ्राई करने लूँगी ज़्यादा।
तो गाइज ये फ्राई हो रहे थे, इधर मैं टेस्ट करके देख रही थी और बहुत टेस्टी बन रहे, चटपटे मसालेदार और क्रिस्पी, और नमक वगैरह सही था। तो इधर अभी मैं सारे फ्राई करके ले रही थी और उधर नागो जी जो भी आ गए थे, और अश्मिता दी ने कुछ काम नहीं किया, मेरे को बोली ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, सिर्फ कंटाला बना करके इधर लेटी है। और उनका उसने जो कॉर्न का बोला था तो वो भी मैंने ही बॉईल करके रखे, उसने सिर्फ मीट मसाला डाल के वो रेडी कर दिया था। शिफाई मैं आपको बताना भूल गया, हमने मैरिनेट करके रखे थे ना, उसके बाद है ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन डाला, और इसके अंदर मैंने एक अंडा भी तोड़ के डाल के अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी सॉल्ट, तो हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्ट डाला था, तो हमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट डालना पड़ेगा। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अभी इसमें मैं डालूंगी फूड कलर, रेड कलर का। मेरे पास ये लिक्विड वाला है, यही मैंने सब में यूज किया था, आपके पास पाउडर वाला होगा तो वो भी डाल सकते हो आप लोग, ऑप्शनल है, डालना है तो डालो, मत डालना है तो मत डालो, घर में बना रहे हो, पर मुझे ऐसा देखने में चीजें अच्छी लगनी चाहिए इसलिए मैं डालती हूँ। तो गाइस चिकन 65 का जो पूरा मैरिनेशन था जो इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने डाला है, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखे तो जाके देखना। तो अभी इधर मैंने सब कलर वगैरह डाल के मिक्स कर दिया था और अभी मैं इधर फ्राई कर रही हूँ। मैंने क्या किया है ना, पहले तेल को अच्छे से गर्म होने दिया था, उसके बाद मैंने ना गैस को एकदम स्लो करके इसको ना मैं 10-15 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। और गाइस मैंने ये जैसे चिकन निकाल निकाल के रख रही थी साइड में, वैसी सब्जन बन रहा था वैसी लेके जा रहे थे, तो मुझे प्लेटिंग करने का भी टाइम नहीं मिला, मैंने देखा भी नहीं मतलब कैसा है क्या है, मतलब मैंने खाया लेकिन वो प्लेटिंग के जितना बचा ही नहीं था, आप लोग अभी देख रहे होंगे देखो 4-5 पीस ही बचे थे, उसकी मैं क्या ही बताऊँ। और अश्मिता दी को वीडियो निकालने बोला तो इतने इतना बकवास वीडियो निकाला। तो ये कॉर्न की चाट तैयार हो गई थी, ये कोली वाला, वो भी इतना जूम कर कर के वीडियो निकाला, पता नहीं कैसा वीडियो निकाला था। उसके बाद इधर हमारी पार्टी चालू हो गई थी, खा तो पी तो सब लिए थे हम लोग, इधर शेफाल दी का वेट कर रहे थे, उसने 12 बजे बोली थी, वो आई 2 बजे शो से, तो इधर हम लोग गाने लगा के इंजॉय कर रहे थे और मज़ा आ रहा था बहुत। गाइज इधर हम लोग मजाक मस्ती कर रहे, मेरा सारा खाना बन के हो गया था और ख़त्म भी हो गया, कुछ शूट करने मिला नहीं। तो बस आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत दिनों बाद हम लोग पूरी फैमिली, नागो जीजू पंकु सब साथ में बैठे थे, और शेफाल दी ने 12 बजे बोल के गई थी और 2 बजे तक वो आई नहीं, हम लोग उसका वेट करते करते इधर गाने वीने लगा के मस्ती कर रहे थे, और उसके बाद वो आई, फिर हम लोग ने खाना खाया, लीडो वगैरह खेलते खेलते हमको सुबह के 6 बज गए सोते सोते। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय राधे राधे।